हाय दोस्तों, मेरा नाम है रेनिश मलन और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल, जिसके बीच में आप सीखेंगे कि किस तरह से एक फूल के पीछे टेक्स्ट को लिखा जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत ही सिंपल होने वाला है, लेकिन इसको हम दो अप्रोचेस से करने की कोशिश करेंगे। पहली अप्रोच होगी मैनुअल, जिसके बीच में हम मैनुअली करेंगे इसको, और दूसरी अप्रोच होगी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। बट कई बार उसमें कोई दिक्कत रह जाती है जो कि हमें मैनुअली क्लियर आउट करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैनुअल अप्रोच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम थोड़ी सी मैनुअल अप्रोच को देखेंगे और उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे और अपना जो वर्क होगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक फाइल खुली हुई है फोटोशॉप में ऑलरेडी, और यहाँ पर हमारे पास दो लेयर्स हैं। एक लेयर के बीच में एक इमेज है और दूसरी लेयर के बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट की पोजिशन आप देख सकते हैं एक फूल के ऊपर है और टेक्स्ट का थोड़ा सा पार्ट हमारे फूल के पीछे आना चाहिए। तो किस तरह से कर सकते हैं, दो अप्रोचेस हैं। यहाँ पर अगर पहली अप्रोच के हिसाब से जाऊँ तो उसके बीच में क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक लेयर मास्क को ऐड करूँ हमारी टेक्स्ट लेयर में और ब्रश के थ्रू यहाँ पे ब्रश को प्रेस करूँ, बी प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ब्रश सेलेक्ट हो चुका है, ब्रश को हम बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहें तो ब्रश को और बड़ा करने के लिए आप यहाँ तो शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट ब्रैकेट की, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस करूँगा सो दैट कि मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल प्लस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे कंट्रोल प्लस करने से ये जूम इन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ब्लैक कलर होना चाहिए और जो ब्रश है वो नॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा सेलेक्ट हो गया, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हार्डनेस जो सी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करना शुरू करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ से हटना शुरू हो गया है, जिस पार्ट पे हम यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली इफेक्टिवली इसको यूज़ करने के लिए आप ओपेसिटी को डाउन भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे पेंट करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो सा है वो यहाँ से हट जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो ऐसा आपको दिखेगा कि ये पीछे लिखा हुआ है, ये देखिए। अगर मैं इसको ओपेसिटी को बढ़ा दूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ई इसके पीछे लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये बहुत ही इफेक्टिव है लेकिन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो वर्क फ्लो है उसको स्पीड अप कैसे करा जाता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। इसको डिलीट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ लेयर जीरो पे जाना है, लेयर जो सी आपकी टेक्स्ट लेयर है उसको हाइड कर दीजिए। और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करिए कि यहाँ पे आप लीजिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, राइट। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की खासियत ये है कि अगर आपने लेयर को सिलेक्ट करा हुआ है ये वाली जिसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली उसकी एक सिलेक्शन आपको दिखाएगा, राइट। अभी ये नहीं दिखा रहा क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन टूल है वो गलत सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देखिए यहाँ पे ब्लू हाईलाइट हो रहा है, राइट। तो हमें अगर ये ब्लू हाईलाइट ना हो, अगर तो ब्लू हाईलाइट हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को होल्ड करिए और क्लिक एंड ड्रैग करिए, जब ये बाउंडिंग बॉक्स पूरा हो जाए तो वहाँ पे इसको छोड़ दीजिए लेफ्ट माउस बटन को, तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके जो भी ऑब्जेक्ट अंदर होगा इसके उसको सिलेक्ट कर लेगा, ये देखिए सिलेक्ट हो गया, राइट। लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, रीज़न क्या है, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस करता हूँ तो कंट्रोल प्लस करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसने फूल से भी एक्स्ट्रा पोर्शन काफ़ी सिलेक्ट करा हुआ है, ये देखिए ब्लैक ब्लैक आपको दिखेगा, राइट। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको प्रॉपरली आपको दिखाता हूँ क्योंकि हमें रिफाइनमेंट टूल यूज़ करने होंगे इसके लिए, तो बेसिकली वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन इसकी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिलेक्ट एंड मास्क पे, तो ऑटोमेटिकली एक नई विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है हमारे पास और यहाँ पे आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये देखिए एक ब्लैक लाइन इसकी एजेस से जा रही है, राइट। तो ये ब्लैक लाइन हमें नहीं चाहिए, अदरवाइज हमारा रिजल्ट हो जाएगा खराब। तो इसके सिर्फ तीन स्लाइडर्स हैं, अगर वो काम कर गए तो ये आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको मैनुअल वर्क करना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो शिफ्ट कर दीजिए एच को,
बेसिकली ये इस एज को कम करने की कोशिश करेगा अगर इसको लेफ्ट साइड पे करा जाए, ये देखिए इस तरह से, राइट। अगर ये काम नहीं करता तो आप यहाँ पे डीकॉन्टेमिनेट कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली क्या करता है कि एज के ऊपर जो स्पिल आया होता है आपके बैकग्राउंड का कलर का, उसको रिमूव करता है। बट यहाँ पे ये भी वर्क नहीं करा तो आपके पास बचता है रेडियस। आप रेडियस को बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली देखिए कितने आसानी से आपका ये काम हो गया। अगर आपको लगता है कि प्रॉपरली हर जगह पर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे स्मार्ट रेडियस का यूज करिए। कई कई जगहों पे क्या होता है कि रेडियस कम चाहिए, कई कई जगहों पे रेडियस ज़्यादा चाहिए, तो ये बेसिकली उसको ऑटोमेटिकली एआई की मदद से इसको मैनेज कर लेता है, राइट। उसके बाद अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली हमें फोकस उतने एरिया पे करना है जहाँ पे हमारा टेक्स्ट होके गुजर रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और कंट्रोल प्लस करता हूँ। कंट्रोल प्लस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है। यहाँ पे मैं कोई भी सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं लेसो टूल का यूज़ करूँगा और लेसो टूल का यूज़ करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं जो इसका आइकॉन है वो प्लस शो कर रहा है, मतलब कि अगर मैं कुछ भी यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊँगा ना वो हमारी यहाँ पे सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा, राइट। हमें करना है सब्ट्रैक्ट, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये देखिए, राइट। अगर थोड़ा बहुत फूल कट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नोटिस नहीं होने वाला, राइट। तो आपको बिल्कुल प्रिसाइज जाने की जरूरत नहीं होगी, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आपने इसको क्लियर आउट कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिए आउटपुट आप कौन सा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट बहुत सारे होते हैं। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ ना, वो प्रेफर करता हूँ न्यू लेयर विद लेयर मास्क। रीज़न इसका क्या है कि ये क्या करता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा इमेज होती है उसको डिलीट नहीं करता, उसको हाइड कर देता है, मास्क में डाल देता है। सो दैट कि अगर कल को हमें कोई पोर्शन चाहिए या फिर हमारा रिजल्ट उतना सही नहीं आ रहा, हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, तो बड़ी आसानी से हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा और ओके करने के बाद हमारे पास एक नई लेयर आ जाएगी मास्क के साथ। और यहाँ पर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा और ऊपर लेकर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों लेयर्स को मैं ऑन करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है तो इसको भी हम इसका यूज़ करके क्लियर आउट कर लेते हैं। इसको क्लियर आउट करने के लिए आप यहाँ पर सिलेक्शन बनाइए, राइट। यहाँ पर सिलेक्शन बन गई और उसके बाद आप लेयर मास्क को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फोरग्राउंड में आपके पास ब्लैक कलर है, अगर है तो आप ऑल्ट बैकस्पेस यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। या फिर आप ब्रश टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। मेन बात क्या है कि आपको जो एरिया हटाना है वहाँ पे ब्लैक फिल करना है, ऑटोमेटिकली आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रश टूल का यूज़ करता हूँ और जितना ये थोड़ा सा आ रहा है हमें दिक्कत यहाँ पे दे रहा है तो इसको हम यहाँ पे हटा देंगे, ये देखिए इस तरह से, राइट। थोड़ा सा कॉर्नर्स को इसको पॉलिश कर सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये काम हमारा काफ़ी रिड्यूस कर देता है, लेकिन इसको फिर भी थोड़ी सी हमें एनहेंस करना पड़ता है मैनुअली, राइट। तो इसलिए जो मैनुअल वे है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप थोड़े से प्रोजेक्ट्स करेंगे और जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, रिजल्ट होगा, वो आप प्लीज़ शेयर करिए हमारे कमेंट सेक्शन में, हमें उसका वेट रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी सीखना है ऑनलाइन से रिलेटेड या फिर किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो हमें बताइए, या फिर फोटोशॉप में ही कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हो हमें सजेस्ट करिए, उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।